हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिजीत, आपका जूनियर ऑटोमोबाइल इंजीनियर एंड जूनियर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। सो दोस्तों, यह है महिंद्रा स्कॉर्पियो M2 DICR इंजन वाला। इस गाड़ी का माइलेज पूरी तरीके से गिर चुका है, उसके साथ ब्लैक स्मोक भी दे रही है। सो दोस्तों, मेरे ख्याल से इस गाड़ी का बूस्ट प्रेशर सेंसर क्लीन करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए एंड वीडियो इन तक देखने के बाद प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। सो दोस्तों, कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। सो दोस्तों, देखिए बूस्ट प्रेशर सेंसर, यह है बूस्ट प्रेशर सेंसर। इस सेंसर निकलने के बाद, इसका क्लीन करने के बाद यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, पहला स्टेप है हमारा, इस सेंसर का कपलर निकाल लेंगे, उसके बाद क्लीन करेंगे। दोस्तों, निकालने का प्रोसेस आप लोग देखिए, पहले वो जो येलो वाली लॉक थी, वो लॉक स्क्रू ड्राइवर से द्वारा निकाल लेंगे, उसके बाद कपलर को हम पुल करेंगे एंड सेंसर से निकाल लेंगे। जैसे कुछ इस तरीके से हम कपलर को निकाल लेंगे एंड उसके बाद 10 नंबर सॉकेट के द्वारा हम बूस्ट प्रेशर सेंसर को इंटेक मैनिफोल्ड से निकाल लेंगे। दोस्तों देखिए, दोस्तों यह है 10 नंबर सॉकेट, इसके द्वारा हम वो सेंसर निकाल लेंगे। दोस्तों, सेंसर निकालने के टाइम पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक वायरिंग रहता है सेंसर को टाइट से बैठने के लिए। दोस्तों, वो ध्यान से सेंसर को निकाल लेंगे, उसके बाद पेट्रोल के द्वारा सेंसर को क्लीन करेंगे। सो दोस्तों, देखिए सेंसर के अंदर कितनी कार्बन जमा हुआ है। दोस्तों देखिए कितनी कार्बन जमा हुआ है सेंसर के अंदर। तो इसका अंदर आप लोग शायद देख पा रही है, वो जो 2 पिन वाला थर्मिस्टर है वो रेड कलर की है, बट कार्बन की वजह से वो पूरी तरीके से ब्लैक हो चुका है। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रोसेस इसका पेट्रोल के द्वारा अच्छी तरीके से क्लीन करना एंड उसके बाद इसका कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है, उसके बाद इसको इंटेक मैनिफोल्ड पे लगाना है। तो दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से हम पेट्रोल स्प्रे करके हमें इस सेंसर को क्लीन करना है। तो दोस्तों देखिए, अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया। देखिए पहले कितनी कलर कितना थी, आप कितनी सुंदर हो गई। अब इसके अंदर रेड वाला पार्ट दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, सेंसर अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद इसका कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है पेट्रोल सूखने के लिए, उसके बाद हम इस सेंसर को इंस्टॉल कर दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अगर आपके पास कोई क्वारी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।